दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाएं होंगी, उसके लिए एजेंसी को चयनित कर ली गई है। बहुत दिनों से सारे बच्चे क्यास लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कब शुरू होगा, क्योंकि इलाहाबाद वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि यूपी में इलाहाबाद शहर में स्थित है, जिसका अभी जिले का नाम प्रयागराज रखा गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम और हाईकोर्ट का नाम और शहर का नाम इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद के मतलब अल्लाह का बाद, अल्लाह का बाद मतलब अल्लाह का घर यानी भगवान का घर। जहां बाद है जैसे गाजियाबाद है, अहमदाबाद है, तो बाद मतलब घर होता है उसके पहले नाम, जैसे गाजियाबाद है तो गाजी का बाद मतलब गाजी का घर, उसी तरह अहमदाबाद है यानी अहमद का घर, उसी तरह इलाहाबाद है यानी अल्लाह का घर यानी भगवान का घर। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ने बताया, जो कि जो एडमिशन सेल है उसके डायरेक्टर है, तो प्रोफेसर IR सिद्दीकी साहब ने बताया है कि टेंडर में 4 कंपनियों ने अप्लाई किया था और टेक्निकल इवेल्युएशन में एक एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब कुलपति जी यानी वाइस चांसलर को जब मंजूरी मिलेगा तभी नोटिफिकेशन पे मुहर लगा के पब्लिक कर दिया जाएगा। तो जल्द ही इस बचे हुए 5 दिनों में जो इस महीने में है, इसी महीने में आने की उम्मीद है, फॉर्म ऑनलाइन आएंगे और टेस्ट भी ऑनलाइन होंगे। पिछले साल कोशिश कर रहे थे कि CUCT के थ्रू इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, लेकिन जो डायरेक्टर जनरल है NTA का या शिक्षा मंत्रालय से कोई भी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जिसके चलते शिक्षा मंत्रालय के साइड से मिल गया कि ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप लोग अपना खुद का टेस्ट करवाइए। इसलिए जामिया, अलीगढ़ और BHU तो अभी NTA करवा रही है, लेकिन और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे DU है और JNU है, जामिया है, AMU से खुद का टेस्ट करवा रहे हैं। उसी तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस साल भी खुद का टेस्ट करवाएगी और आपका एप्लीकेशन विद इन वीक में निकलने वाला है। वीडियो तो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।